नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिजाइन लाई हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। इसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद हम अपने दूसरे कलर के ऊन से 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2 और 3। चौथे फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदे को सीधा बुनना है, 1, 2, 3। चौथे फंदे को स्लिप करना है, 3 फंदे को सीधा बुनना है, चौथे फंदे को स्लिप करना है, लास्ट में 3 फंदा बचेगा जिन्हें हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब ये हमारा दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो 3 फंदा हम सीधा बुन लेंगे, 1 अपनी ओर करेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे, 1 दूसरी ओर, फिर 3 फंदा सीधा, 1 अपनी ओर स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, 1 दूसरी ओर, 3 फंदा सीधा। यानी बुने हुए फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और स्लिप करने किए फंदे को स्लिप कर लेंगे, लेकिन स्लिप करने से पहले उनको हम अपनी तरफ कर लेंगे। तो इस तरह हमारा ये दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। तीसरे लाइन में हम अपने प्राइमरी कलर के ऊन से पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा उल्टा, फिर देखिए ये हमने जो स्लिप किया फंदा था उसे हम सीधा बुनेंगे। 3 फंदे जो दूसरे कलर के उनके दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें से पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर तीसरे फंदे को उल्टा। अब ये फंदा आ गया तो इसे हम सीधा, 1 फंदा हमें सीधा बुनना है और 1 फंदा उल्टा बुनना है। तो 3 फंदों में से पहले फंदे को उल्टा, अब दूसरे फंदे को सीधा, तीसरे फंदे को उल्टा बुनेंगे और ये हमारा ऑलरेडी सीधा आ जाएगा। तो इस तरह हम 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये तीसरा लाइन कंप्लीट हो गया। अब चौथे लाइन में हम सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। पांचवें लाइन में हम अपने सेकेंडरी कलर के ऊन से पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधा। ये देखिए जो फंदा हमने स्लिप किया था उसे और उसके दोनों साइड वाले फंदे हमारे सीधे हो जाएंगे। तो 3 फंदा सीधा, और देखिए 3 फंदों में से ये बीच का फंदा, इसे हमें स्लिप करना है। अब यहाँ से हमारा पैटर्न फिर से शुरू हो जा रहा है। 2 फंदे को छोड़ के हमारा पैटर्न फिर से शुरू हो जा रहा है। 3 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करना है, नेक्स्ट 3 फंदा सीधा, 1 फंदा स्लिप करना है। देखिए स्लिप किया हुआ फंदा 3 फंदों के बीच का फंदा है, और जो फंदा हमने स्लिप किया था वो फंदा उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन्हें हमें सीधा बुनना है। लास्ट में 2 फंदे हैं तो 1 फंदा स्लिप करेंगे, लास्ट फंदे को सीधा बुनेंगे। रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे सीधे बुन लिए जाएंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे।
तो ये हमारा 6 लाइन कंप्लीट हो गया। सातवें लाइन में हम फिर अपने प्राइमरी कलर के ऊन से पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब देखिए ये स्लिप किया हुआ फंदा है, इसे हमें सीधा बुनना है। फिर तीन फंदों में से पहला फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। फिर तीन फंदे आ गए तो पहला फंदा उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। तो इस तरह एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा सातवां लाइन ये कंप्लीट हो गया। और आठवें लाइन में वापस हम पूरी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक खूबसूरत सा पैटर्न बनके तैयार हो गया। 8 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और देखिए इसे दोहराने से ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। तो सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।